ਨਾਮੀ ਜਗ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਪਕਾਰ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਰੂਹ ਕਰਕੇ। ਕਿਹੜਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਟੁੱਟਿਆ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਆਪ ਜੁੜੇ ਤੇ ਜੋੜ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇਵਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ। ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇਖ ਦੇਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਦੇ। ਰੱਬ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਓ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਵਿਸਰੇਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਵਿਸਰੇ
इस शब्द में सतगुरु बार बार बचन है, जिनका दूसरे नाम एक देगा, जिनका एक पालनी पति परमात्मा नहीं करता, बंदगी कर दे नाम जप के तू के होना की पहचान उन्होंने निशानी जिथे सतगुरु सवाल कर रहे ना जवाब ही है। दुनिया के लोग रब के रब के प्यारियों कोई भेद नहीं, हरी के हरी के जन में कोई फर्क नहीं, रब वर्गे होंगे जिमें पानी के पानी दहर कोई अंतर नहीं, पानी के पानी के तरंग में कोई अंतर नहीं, इस तरह हरी के हरी के जल में भी कोई फर्क नहीं। क्यों फर्क नहीं? क्योंकि दिन रात इको ही दात मंगते, दिन सरैन हरा संभाले सा सा जिहड़ा साडी संभाल कर रहे हैं ना, बस महापुरुष को ही संभाल कर रहे, यो फर्क है। महान पुरुष क्यों बन जाते हैं? क्योंकि जेड़ा मालक साड़ी संभाल करता है, स्वास स्वास साड़ी प्रतिपालना करता है, दम दम संभाल रहे हैं, बस दम दम महापुरुषों को याद करते हैं, याद करते हैं तो महापुरुष बन गए। महान कोई भी बन सकता है, गृहस्थी भी महान बन सकता है। जो दिन रात बंदगी कर रहा है, दिन सरैन आराध संभाले सा सा नानक की लोचा पूर्ण सच्चे पास, ऐ मेरे मालिक मेरी कोई लोचा है, इको इच्छा है कि दिन रात मेरी बंदगी कर रहा है। बस जेड़े बंदगी कर रहे हैं उन्हों का नाम बंदिया में गिरे, हुक्म पछाण है सो एक हो जाए बंदा नहीं। महापुरुष के बंदे कोई फर्क नहीं, वही बंदा है वही महापुरुष। जे बंदा बंदगी करता है तो महापुरुष है, जो बंदगी नहीं करता तो गंदे को भी गंदा है। तैयू साहब कहते तेरे नाल पशु चके बंदगी तक कर दे, पाप काम का उन्हों का संसार में आदियाँ हड मास कम सब कम आ जाता है, तेरा तो कुछ भी कम नहीं आता जो तू बंदगी करता है, बस तेरा नाम बंदिया में लिखा है। हुक्म पछाण है सो एक हो जाने बंदा कहीं अल हो अलख ना जाए लखिया गुड़ गुड़ दीना मीठा कह कबीर मेरी संका सर्व जरे जरे राबू तक लैना जरे जरे हर काम बस ये निशानी नाम पूछना। अज दिलों की याद में जुड़े पाकिस्तान की धरती बाबा पिंड है, महापुरुषा ने एक बड़ा सुंदर गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह वास्ते कमरा तैयार किया, बहुत सोहना कमरा। पर महापुरुष कहने लगे भाई इतने एक व्यापारी रहता है, बड़ा बड़ा काम कर है, सेवादार भेजा जा उस को जा, उसू कह गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह का कमरा बनाया, असि कली करनी रद्द करना, जो भी सेवा लेके लग जाए वो पाप बन जाए, पाप बन जाए। सेवादार गया पर उसने इनकार कर दिया, और दुनिया थोड़ी सेवा करने वाली मेरे को महापुरुषा ने भेज दिया वापस आ जी। उस सेठ ने तो इनकार कर दिता, महापुरुष कहने लगे असी तो चाहते सा
कि ओदी कुल चमक दादी महापुरश बाबा दविंदर सिंह जी बेदी जिन्हां ने परिवार को सराप दिता सी कोई समा सी इस परिवार ने गुरु नानक के घर की शाम विच कौले बोल बोले ते महापुरश बाबा दविंदर सिंह बेदी सराप दे गए कि तेरी कुल का दास हो गए तू गुरु नानक के घर में कौले बोल बोल के साडा दिल करदा सी कि अज गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह का अस्थान बने जे ए भी कली नाल अंदर रंग चिट्टा होवेगा कमरा चमक जाएगा कमरा नहीं ए भी कुल चमक जाएगी जिहड़ी महापुरश सराप दे गए वो सराप प्रफुल्लत सेवा करके विभाग बन जाए पर महापुरश कहन लगे खाली रह गए भाग ना बन सके समा पिया सारा परिवार याद आ गई कि महापुरशा ने बोल बोलिया सारा परिवार महापुरशा जी भुल गए महापुरश कह लगे भाई असि अपने वास्ते सेवा नहीं गुरु नानक दे घर वास्ते सतगुरां दा कमरा सी जे कली हो जाती वो तेरे जो शराब महापुरशा ने किया शराब कल जाता तेरी कुल चमक जाती तेरी सेवा लेखी लग जाती तेरे भाग बढ़ जाते तू बाणी नाल जुड़ जाता समा आया महापुरशा ने भाग बढ़ फिर टुटे परिवार को जोड़िया सेवा में चलाया बंदगी का मार्ग दर्शाया बस जिन्हों का काम केवल एको है कि टुटे जोड़ लिया भुले हुए गुरु नानक के राह तोड़ लैं बाणी के बाणी का जोड़ देना वो कोई भी रूप हो महापुरुष का रूप है चाहे वो संत है चाहे गृहस्थी किसी भेद में है किसी जात विच है किसी गोत विच है वो महापुरुष है जुड़न वाला तैनू ते सहि कहिंदे हां बिन सरैण आला समाधे सा सा नानक की लोचा पूर सच्चे पातशाह ए मेरे मालक कृपा कर दस तेरे गीत गाउंदा रहा तेरी बंदगी करदा जिहड़े बंदगी करदे ओ रब वर्गे ही होंदे आ गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह दा अनन सेवक है भाई कट्टू जिहड़ियां संगतां गुरु अर्जन साहिब पातशाह के दीदार करन जांदियां राह विच भाई कट्टू का स्थान आउंदा है उत्थे संगतां आराम करदियां भाई कट्टू सेवा करदा जल पानी छकाउंदा है बड़ी सेवा करदा है नाल बाणी पढ़ी जांदा है नाल सेवा करदा है पर सेवा करदिआं करदिआं इक दिन भाई कट्टू ने की तकिया इक सिख दे पास शहद वाली बोतल नूं तक लिया शहद वाली बोतल भाई कट्टू के मन में आया एक डाक्टर आ सिख अपने सफर में छकन वास्ते शहद वाली बोतल नाल रखे होवे ना थोड़ा जिहा शहद मंग लवां बड़ा चिर हो गया शहद नहीं छके भाई कट्टू ने उस सिख नूं बेनती की सिखा तू अपने छकन वास्ते आ शहद वाली बोतल नूं नाल रखे है जे थोड़ा जिहा शहद मैनू दे दे मेरा भी दिल करता है तो सिख ने भी अखा लाल करन क्रोध में आया ऐसे कौड़े बोल बोलियो भाई कट्टू वो राह में शहर मगन लग पे है कि शहर से मैं गुरु अरविंद साहिब पातशाह वास्ते प्रसाद लेके जा रहा हूँ ताजा शहर चो के लिया अपने हाथों नाल मिठा शहर गुरु अरविंद साहिब पातशाह छकन के बख्शिश करे तो राह में मगन लग पे है भाई कट्टू ने चरण फट गए वो सिखा मैं भुल गया मैं ना जानिया तू प्रसाद ले जा रहे मैं समझिए तू अपने छकन वास्ते आराम सफर में अपने छकन वास्ते बोतल नाल ले भाई कट्टू माफी मांग ले सेवा में जुड़ गया
संगता ने कमर कसा किया। गुरु अर्जन साहब पातशाह के दर पर संगतं पहुंचिया। सबना ने आपो अपनी भेड़ा अर्पण की। सिख ने भी शहर वाली बोलकर सतगुरां के चरणों में भेड़ा अर्पण की। सतगुरां ने सबना की भेड़ा प्रवान कर ले, पर सिख की बोलन पी गए। दूजी बार संगत में उठाया कि अजे सतगुरां ने मेरे शहर वाली बोलन वाल टकिया नहीं, द्वारा बेनती करते ना द्वारा बेनती की पाठा तुहाडे शगन वास्ते शहद ले आया, बड़ा मिठा शहद छको। पर सतगुरु संगतां नाल वचन करते ने, भेड़ा प्रवान करते ने, इहदी भेड़ा पई है। तीजी बार संगत में उठाया कि अजे सतगुरां ने टकिया ही नहीं मेरी बोलन वाल। तीजी बार उठाया बोलन चुकी, गुरु अर्जन साहब पातशाह के चरणों के नाल मूठे नाल ला के पातशाह तुहाडे शगन वास्ते शहद लेके आए, बड़ा मिठा शहद छको, ताजा शहद लेके आए। गुरु अर्जन साहब पातशाह नैन कटोरे भर गए ते सिख वाल करके कहन लगे, सिखा क्यों बार बार कही जाना, तुहाडे वास्ते लेके आए ताजा शहद लेके आया, मिठा शहद लेके आया। वो सिखा वो जो मैं मंगया तू इनकार कर दिता, जो मेरा दिल किया शहद छकन वास्ते तू अखा लाल करके मेरे वाल तकिया, तू कौड़े बोल भी बोले, तू क्रोध में आ गया। हूँ कही करना तुहाडे छकन वास्ते जाए, हूँ तो सिखा दिल ही नहीं करता, हूँ दिल ही नहीं करता। सिख ने हाथ जोड़े, पातशाह तुहाडे छकन वास्ते लैके आया हाँ, तुसा मंगिया हो मैं इनकार कर देवा, किवें हो सकता है, बार बार मैं ही बेनती कर रहा, तुसा तो एक बार ही नहीं मंगिया। गुरु अर्जन साहब पातशाह कहन लगे, वो सिखा वो जो भाई कट्ठू शहर मंग रहा सी उदों मैं इत्थे मंग रहा सी, जो भाई कट्ठू का दिल किया शहर छकन वास्ते मेरा दिल कर दे, असी तू इनकार कर दिता, तू अखा लाल करके मेरे नाल टकिया, औले बोल बोले मैं चुप कर गया। सिखा हुण किते ओ तेरे नहीं करदा, सिख बोबा मार के रो पिया, पछता मैं भुल गया मैं ना जानिया, जे मैं बोलो पहचान आ जाती मैं उठे ही मत्था टेक देता, ये तू शहर चक के लियाया, जे मेरी पहचान आती उठे मत्था टेक देता, मैं ना पहचानिया मैं ना समझाता, चरना से डिग पिया पर पूरा गुरु लेना, चरना का कच्चा बचना का पक्का रहना, वाह पढ़ ले अच्छा सिखा जा, तेरी भेड़ा प्रवान है, तेरा आया सपना है, पर जा ये शहर भाई कट्टू नूं जाके छका, तेरी भेड़ा प्रवान है। प्रसाद लिया सिख ने, लंगर कटिया भाई कट्टू के अस्थान ते जा, दूरों टकिया भाई कट्टू सेवा नाल जुड़िया होया, सेवा करी जांदा ते अज सिख उबा मार के रो प्यो, भाई कट्टू मेरी भेड़ा प्रवान कर, मेरा आया सपना कर लै शहर। भाई कट्टू ने कटे आम पर सिखा, ये शहर का गुरु अर्जन साहब पातशाह वास्ते प्रसाद लै के आ, भाई कट्टू लैके ते प्रसाद गया सा, पर गुरु अर्जन साहब पातशाह ने आ वचन कह दिता है, जे भाई कट्टू शहर छक लवेगा तेरी भेड़ा प्रवान होगा, तेरा आया सपना, भाई कट्टू मेरी भेड़ा प्रवान है। भाई कट्टू भी फुब्बा मार के रो के, ऐ गुरु अर्जन साहब पातशाह वो तेरे दर के कुकर होइए, तेरे घर के झाड़ू बरदार होइए, ते एडा मान कि जे भाई कट्टू शहर छक लवे भेड़ा प्रवान। भाई कट्टू फुब्बा मार के रो पिया कि अज सिख का शहद भी छक रहे है, ते गुरु अर्जन साहब पातशाह याद करता करता ते फिर केड़िया पंक्तियां, दिन सरैण आराम संभाले सा सा, नानक की लोचा पूर सचे पातशाह समा गया। आओ अपनी पंक्तियां पढ़ ले, दिन सरैण
ਰੱਬ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਔਰ ਕੱਲ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾਦਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਮਹਾਨ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੁੜਦਾ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਕਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਸਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਤੀ ਵਰਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੇਵਲ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਅਰਾਧਨਾ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੇਖਣਾ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਦਰਗਹਿ ਪਾਗੈ ਠਾਉ ਕਉ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਵਰਤ ਦੇ ਬਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਰਤ ਇਹ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਉ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਵਰਤ ਦੇ ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਏ ਵਿਰਲੇ ਕੇ ਵਿਰਲੇ ਕੇ